आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। अगर आपने सुबह से अपना ट्विटर खोला होगा तो आपने उस पर ज़रूर ध्यान दिया होगा कि इस वक्त ट्विटर पर राधिका आप्टे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राधिका आप्टे क्यों ट्रेंड कर रही है, कहीं उनकी नई मूवी या वेब सीरीज़ तो नहीं आने वाली। ऐसे में आपको बता दें कि ना ही उनके ट्रेंड करने का कारण कोई मूवी या फिर वेब सीरीज़ है और ना ही उनका कोई बयान है, बल्कि इस बार उनका ट्रेंड करने का जो रीज़न है वो उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जो अभिनय है, जो किरदार वो निभाती हैं वेब सीरीज़ या मूवी में वो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इस वक्त जो अगर आप ट्विटर देखिएगा तो उस पर राधिका आप्टे का बॉयकॉट राधिका आप्टे करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यूज़र्स का मानना है कि राधिका आप्टे जिस तरीके के बोल्ड अंदाज में नज़र आती हैं, जिस तरीके के अभिनय वो करती हैं, जिस तरीके के फिल्में वो करती हैं, उसके ज़रिए वो अश्लीलता फैलाती हैं और इस अश्लीलता की वजह से ही जो बाकी लोग हैं ये अश्लीलता देख देख कर बिगड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ यूज़र्स का ये भी मानना है कि वो भारत की संस्कृति के विरुद्ध काम कर रही है और अश्लीलता फैलाती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अब ट्विटर पर बॉयकॉट राधिका आप्टे कर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ ट्वीट्स पर। जैसे कि आपने ट्वीट्स में देखा कि जो यूज़र्स है काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं और भड़काऊ चीज़ें लिखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ राधिका आप्टे नहीं, कई लोग तो बॉलीवुड के ऊपर भी कीचड़ उछालते हुए नज़र आ रहे हैं कि बॉलीवुड अश्लीलता फैलाती रहती है। कहीं कहीं तो यूज़र्स यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं और उसके बाद राधिका आप्टे को राज कुंद्रा के केस के साथ भी जोड़ते हुए नज़र आते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो राज कुंद्रा के केस पे और राधिका आप्टे के इस तरीके के अभिनय कर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुप रहता है। बॉलीवुड तभी सामने आता है जब किसी की संस्कृति आहत होती है या फिर कोई धार्मिक मुद्दा होता है। इसके अलावा बॉलीवुड से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। ऐसे में वही कुछ यूज़र्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि बॉयकॉट ये जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है उन्हें अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो कुछ लोग ऐसे भी कमेंट देखने के लिए मिला जो कहते हैं कि आज कुछ नहीं किया, नहाया धोया तो चलो आज बॉयकॉट राधिका आप्टे करते हैं। तो ऐसे में अब राधिका आप्टे काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि राधिका आप्टे एक जानी मानी एक्ट्रेस है और वो अपने अभिनय से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो फिल्म हो या फिर वेब सीरीज़। वो कमाल का काम करते हुए नज़र आती हैं और वो अपने बातों को भी बहुत बोल्ड अंदाज में रखने के लिए माहिर हैं, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और एक्टिवली किसी भी चीज़ों को लेकर वो बात करती हुई नज़र आती हैं। ऐसे में इस वक्त राधिका आप्टे को बेवजह ही कह सकते हैं कि अब ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया गया है और इसके पीछे का कारण खुद यूज़र्स को भी नहीं पता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक पुराना मुद्दा उठाकर अब राधिका आप्टे को एक तरह से ट्रोल किया जा रहा है, वो भी ट्विटर पर, कि राधिका आप्टे जो है भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही इसके साथ बॉलीवुड को भी जोड़ा जा रहा है कि बॉलीवुड भी इस पर चुप्पी साधे हुए नज़र आती है। इसी के साथ यूज़र्स जो है वो ट्विटर पर कई सारे गड़े मुर्दे भी उखाड़ते हुए नज़र आए, चाहे वो किसी रेप से जुड़ा हुआ ट्वीट हो या फिर बॉलीवुड का सन्नाटा, हर चीज़ को इसमें उठाते हुए नज़र आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो ट्रेंड है ये फालतू ट्रेंड है, ये टाइम पास ट्रेंड है, लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो लोग ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें राधिका आप्टे की तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस है, जो कि अंधाधुन, बदलापुर, रात अकेली है, हंटर जैसी कई फिल्में और वेब सीरीज़ में काम करते हुए नज़र आई हैं और लोग उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हुए नज़र आए हैं। ऐसे में इस तरीके के ट्रेंड से जो है राधिका आप्टे का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। ऐसे में वक्त के साथ पता चलेगा कि इस ट्रेंड को लेकर राधिका आप्टे आगे क्या कहते हुए नज़र आती है। इसके साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।